आलु अमल हेबा परे रखिबाकु नाही शीतल भंडार चिंतारे आलु चासी राज्य आलु संकट रहितबा बेले चासी माने करूछंती आलु चास किंतु सेमानंकु मिलु नाही सरकारी प्रोत्साहन खर्च अनुसारे अमल नाही जेतिकी अमल हेउछि ताकु साईती रखिबा चिंतारे कामाख्या नगर आलु चासी ढेंकानाल जिला कामाख्या नगर उपखंड आलु चासी चिंतारे पड़िछंती अमल परे आलु रखिबार व्यवस्था नाही दर अदर रे बिक्री करबाकु बाध्य होउछंती राज्य में आलुर चाहिदा रही बेले सरकार एथिप्रति दृष्टि देउ नथिबारु उभय खाउटी और चासी संकट रे पड़छंती। साधुचरण बेहरा नुआरेकुला सब वर्ष आलु करथुलु भलो होतला ए वर्ष आलु बहुत क्षति रे पइलु 500 टका आलु मंजी सार 1500 मूल्या चाष नेला 800 इनि 4000 खर्च होइछि आलु पाइछु दुई बस्ता हे दुई बस्तारु भी आलु नष्ट होइ जाइछि गोटे बस्ता पचि जाउछि एणुक चाष खोलन गाई बल्द छाड़ देचु सब पूरा बुली खाऊ कहीं खोलू एम तुम शीतल भंडार ना बोली असुविधा होलना खटुआ सब वर्ष एम आलु करू फसल सब भल पाऊ ए बर्ष आम भल आलु ना खर्च बार्च एम पड़ू आलु एम पची जा मुझी भी भल ना शीतल भंडार भी आम ये ना चटिया खटुआ ए बर्ष तो भल आलु हलानी आज्ञा आगरा पची जा गल पड़ानी मंजी भल आसानी आम बहेनाखा नुकसानी हो गला सार भी भल कि हलानी आउ मूलिया नगे नगे कि सब मूलिया पकईलु एवस किसी हलानी आलु आ 10-12 बस्ता नाखा हुए एवस जमा 2-4 बस्ता ना खाई चाषी मान कौन सरकारी स्तर में कृषि विभाग तरफ परामर्श कि अन्य कौन सा मिल ना अभियोग करी मैंने हलानी आलिया खर्च कर नगेलु कहीं एति की दर टी पिंडे ना खाने नियो आलु जे ए बस टी पिंडे सुधा हेला नै आउ सार सुरी सब दे किना खत सार सुर दियानी ना आया आलु एटा करे 35 बस्ता मोर हुए ए वर्ष आया 10 बस्ता हबनी आया आलु बिहन भल पइलानी कि सार भल नै गाई गुरु सब आलु पछि जाउजी घावरा होउजी कोन आलु चास करिकिनी कोन लाभ आउ आसंता आलु चाष हेन कि मदन मोहन जेना आसीस्टाट कलेक्टर कामाख्या नगर देखु बहुत खुशी कथा जी भाया उपात एरिया आलु चाष प्रक्रिया जारी रही तेणु चाषी मान बहुत धन्यवाद मुझे जे से विभिन्न असुविधा सत्वे आलु चाष को जारी रखिंट सरकार तरफ जहाँ जिते बड़े प्रोत्साहन दबा कथा आम व्यवस्था करू आर चाषर केमती उन्नति हे विभिन्न प्रकार समय रे जो रोग प्रतिरोधक औषध तांकु भी बंटन कर सब प्रकार प्रचेषा जारी रगामी दिन में आलु संरक्षण भी शीतल भंडार केमती प्रतिष्ठा कर सरकार जो विभाग जहाँ सहयोग अच्छी प्रक्रिया जारी रामाख्या नगर समदर्शी दास रिपोर्ट फोकस प्लस।